नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, कल तक मेरे पास खूब सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बाजार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है बाजार। एक तरफ अमेरिका में डिफॉल्ट की बात चल रही है और बाजार यहां रैली दिखा रहा है, कभी भी धड़ाम हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। अरे भाई, क्यों गिरेगा बाजार? बाजार क्यों गिरेगा? बाजार गिरेगा जब जब एफआई बेचेंगे। एफआई तो खरीद रहे हैं, 30,000 करोड़ का माल खरीद लिया उन्होंने अब तक। एक वीडियो आज मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट की है, उसकी छोटी सी क्लिप मैंने शायद यूट्यूब पे भी लगवाने की कोशिश की है, यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप पे भी। उस वीडियो को आप देखिएगा, वो नेक्स्ट वीक प्रेडिक्शन की वीडियो है कि अगले हफ्ते बाजार कैसा रह सकता है, शेयर बाजार, निफ्टी की रेंज सब कुछ मिलेगा वहां, फ्री है वहां, कोई चैनल आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। टेलीग्राम जो मेरा फ्री का चैनल है उस पर पूरी वीडियो क्लिप है 8-10 मिनट की, उसे देख लो। एफआई ने कितना माल खरीदा है सब कुछ पता चल जाएगा आपको। अरे ये खरीद क्यों रहे थे, इन्हें सब पता है कि अमेरिका में क्या होने वाला है। खबर आ गई साहब, अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले, वीडियो बनाने से मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा पहले, कि साहब जो बाइडेन साहब हैं वो कुछ शर्तों को मानने को तैयार हो गए, केविन मैकार्थी की शर्तों को, ऊपरी सदन के जो लीडर हैं। यही तो बहुमत नहीं था अमेरिका को? तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अमेरिका जो है वो डिफॉल्ट होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा और हल निकलता हुआ नजर आ रहा है साहब। मैकार्थी ने कहा है कि खर्चों में कमी आई है, उनके सुर बदल गए, अब उनके साहब सुर ही बदल गए। पहले वो कहते नहीं साहब, हम तो देंगे नहीं कर्ज बढ़ाने की सीमा, आपको परमिशन देंगे नहीं। अब कह रहे हैं कि ऐतिहासिक कमी आई है। पूरी रिपोर्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है, आप जाके उसको पढ़िएगा, बीबीसी ने छापी है, बीबीसी। तो दोस्तों, कोई डिफॉल्ट डिफॉल्ट नहीं हो रहा था अमेरिका, सारा काम सब एफआई का है, ठीक है। अच्छी खासी बाजार में तेजी आप कल देखोगे। हाँ, थोड़ा सा कोशिश हो जाना, जब पीसीआर आपका 140, 150, 160 के आसपास पहुंच जाए तो बाजार में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। गैप अप ओपनिंग होगी कल, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद 18650 या 18700 के आसपास आपको बाइंग नहीं करनी है, नई बाइंग नहीं करनी है। थोड़ा रुक जाओ, ट्रेड मत लो, कोई आफत नहीं आ रही, लेकिन नई बाइंग मत करना। जो कॉल वॉल हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना, जब पीसीआर कूल हो तो फिर बाय करना। 18,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान से सुनो, 18,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, 18,700 के ऊपर तेजी आएगी। इसी तरह 43,700, यहां तक कि 43,600 आप मान लो, 43,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, 44,500 के ऊपर बाजार एक नई तेजी दिखाएगा। तो 43,600 मान लो आप, 43,600 से 44,500 और इधर 18,350 से 18,700 या 750, बस इसी रेंज में अगले हफ्ते बाजार घूमना है। अमेरिका का समाधान होता हुआ नजर आएगा। एफआई ने जो 30,000 करोड़ का माल खरीदा है, ये अभी बाजार को और ऊपर ले जाने के मूड में, थोड़ा बहुत पीसीआर एडजस्ट करने के लिए बाजार को नीचे लाएंगे, फिर बाजार एक अच्छी खासी रैली दिखाएगा। जब तक इनको प्रॉफिट नहीं होगा ना, ये माल नहीं बेचेंगे, और जब तक ये माल नहीं बेचेंगे बाजार नहीं गिरेगा। सीधा साधा फंडा है, जिस दिन ये बिकवाली शुरू कर दे उस दिन सतर्क हो जाना, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लेना। प्रॉफिट का फॉर्मूला तो वैसे हम हर किसी स्टॉक में लगा ही रहे हैं समय 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 पर, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जरूर लगाओ समय समय पर। बीच में मेरी आप क्लिप और शायद फोटो भी देखते होंगे कि तेजी में प्रॉफिट का फॉर्मूला हमेशा लगाओ। तो साहब, ये थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, अपडेट देना चाहा कि अमेरिका में कोई डिफॉल्ट डिफॉल्ट नहीं है, पॉजिटिव खबर आई है अमेरिका से, और बाजार में कल एक अच्छी खासी आप तेजी देखोगे। इस तेजी में लोग बाग अपनी शॉर्ट पोजीशन को कन्वर्ट करते हुए नजर आएंगे लॉन्ग की तरफ, शॉर्ट कवरिंग आएगी और वो बाजार को और ऊपर लेके जाएगी। तो उस बीच उस दौरान कुछ मौका मिलेगा हमें पैसे कमाने का, लेकिन फिर ऊपर के लेवल का वेट करेंगे, जब पीसीआर हाई हो जाएगा फिर हम थोड़ा सा वेट करने के बाद ही कोई पोजीशन बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहो, जो मेरा पेड चैनल है वहाँ पर समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या करना है आगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।